हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति बिस्ट एक बार फिर से एक नई स्कूटी की वीडियो के साथ आपका अपने चैनल राइडर दीप्ति बिस्ट में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको घर में सिखाने के लिए कोई नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है और साइकिल भी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और जैसा कि देख सकते हैं, शाम का समय है और मच्छर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं मुझे। देखिए, पूरा मच्छर राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो बीच में हाथ यूं होते रहेगा, प्लीज डोंट माइंड। और दोस्तों, बढ़ते हैं स्कूटी के टिप्स की ओर। तो आपको कुछ नहीं आता है, अभी कुछ नहीं आता है, बस स्कूटी देखिए, कोशिश करिए कहीं पे ग्राउंड पे ले जाने का। बस एक बार कोई बंदा अरेंज हो जाए, तो एक बार कोई आपकी स्कूटी को ग्राउंड पे छोड़ देगा, उसके बाद स्टार्टिंग से आपको बताती की चाबी। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि अबे ये चाबी वाबी क्या है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, चाबी से ही तो स्टार्टिंग होती है। ये लॉक लगा है, चाबी खोलेंगे, लॉक खुल गया अभी लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। अब हो गई ऑन, अब हमने स्कूटी को ऑन कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ऑन करने के बाद ब्रेक, ब्रेक के साथ सेल्फ बटन ये वाला है, देख सकते हैं, ब्रेक, ब्रेक के साथ ये वाला बटन प्रेस कर लेंगे। सेल्फी स्टार्ट कर लिया हमने अपनी स्कूटी को, अभी सेल्फी स्टार्ट करके दोस्तों देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्रेक है, ये राइट साइड का ब्रेक है। लेफ्ट ब्रेक और राइट ब्रेक दोनों आप ब्रेक के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जब एक कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं है तो दूसरा कंसेप्ट कैसे कोशिश करें हम। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा, दोनों फिंगर्स पे हाथ लगाए रखते हैं, दोनों ब्रेक्स पे फिंगर लगाए रखते हैं। तो दोस्तों मैं पूछना चाहूंगी कि एक्सलेटर तो हमसे संभल नहीं रहा है क्या, एक्सलेटर और ब्रेक हाथ में संभाल पाएंगे क्या? नहीं ना। तो कोशिश करिए, केवल लेफ्ट ब्रेक सफिशियंट होता है आपके लिए, राइट ब्रेक का यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों और ब्रेक पे फिंगर्स रखिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस लेके 3000 प्लस सिखा चुकी हूँ, मैं भी 3000 से ज़्यादा लोगों को, तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि भाई साहब केवल लेफ्ट ब्रेक सफिशियंट है, राइट साइड में आप एक्सलेटर पे फोकस करिए और लेफ्ट साइड पे पूरा फोकस आप ब्रेक पे करिए, ठीक है। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट कर ली थी हमने, और सबसे पहले तो ये कहाँ गया हमारा रक्षा कवच, सबसे पहले हमने हेलमेट डाल लेना है रक्षा कवच का प्रयोग करके। और ध्यान दीजिएगा, पैर में जूता जरूर पहने, मैंने तो स्लीपर पहनी हुई है क्योंकि मैं तो अभी वॉक करने आई थी, तो कब से नई वीडियो नहीं डाल पाई कुछ इस टाइप की, तो मुझे लगा कि हाँ यार कोई वेट कर रहे होंगे, तो इस वजह से बना लिया। तो मैं वॉक पे आई थी, साथ में स्कूटी की वीडियो भी बना ली। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी स्टार्ट फर्स्ट टाइम हैंडल कर रहे हैं, पहली बार स्कूटी पकड़ी है हमको, और कुछ नहीं आता है, शून्य अभी हमको कुछ नहीं आता है। देन क्या करेंगे, ब्रेक पे फिंगर्स रखना है और एक्सीलेटर को आराम से बढ़ाएंगे, बढ़ाया बढ़ाते ही कम कर दिया, ब्रेक दबाया, फिर ब्रेक थोड़ा फिर बढ़ाएंगे, फिर कम करेंगे, ब्रेक दबाएंगे। तो देखो ऐसा भी होगा, ऐसा अगर हमारी स्कूटी इस टाइप से हो जाती है तो ब्रेक को टाइटली प्रेस करके यूं उठा लेंगे, और उठाते टाइम क्या होता है, मैक्सिमम कंडीशन पे अगर हम स्कूटी यूं उठा रहे हैं ना, इसमें जोर पड़ता है, अगर हमारा ब्रेक दबा है तो हमको गिरने की कहीं से कहीं तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर हमारा ब्रेक नहीं दबा है, एक्सलेटर बढ़ जाएगा और सीधे पैर फ्रैक्चर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ब्रेक को टाइटली हमने प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों यही प्रैक्टिस से आप एक परफेक्ट राइडर बनेंगे, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, यूट्यूब पे हमारा नंबर दिया गया है कि कॉन्टेक्ट विथ राइडर दीप्ति बिस्ट नाम से है टाइटल शायद, तो उस पर आप नंबर ले सकते हो उस वीडियो को देख के, और कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती हो। और उम्मीद रखती हूँ बस दो चीज़ें क्लियर होना मांगता है स्कूटी में एक परफेक्ट राइडर बनने के लिए, ब्रेक और एक्सीलेटर, यूँ बढ़ाया कम किया, बढ़ाया कम किया, बढ़ाया कम किया, इस प्रकार से आप लगातार चलेंगे जिससे आप एक परफेक्ट राइडर बन पाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, और हर रोज़ लिख के ले लीजिए मेरे से, हर रोज़ इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उम्मीद रखती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।